यार ये समस्या बड़ी कॉमन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर घर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मैं खुद कमाता हूँ और पढ़ता हूँ और इस टाइम मैं LLB सेकेंड ईयर में हूँ, बट पापा की जानकारी में एडवोकेट बहुत हैं। क्या मेरे लिए ये सही रहेगा? भैया आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, क्या मैं वकील बन जाऊं, क्या मैं वकालत से बहुत पैसा कमा लूंगा, क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा, क्या मैं वैसा हो जाऊंगा, क्या मैं ये हो जाऊंगा, क्या मैं वो हो जाऊंगा। तो आप कुछ भी नहीं होने वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर कोई पर नहीं लगने वाले हैं कि आप सुरखाओं के पर लेकर के पैदा हो जाएंगे वकील होने के बाद। देखिए भैया मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग घर से जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है बहुत आर्थिक तौर से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये लाइन भी संघर्ष की है। शुरू के 5 साल तो इसमें इतना संघर्ष है कि अगर आपके पास बैक नहीं है तो आप ये मान के चलना कि आप टूट जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप LLB ज़रूर कर लें, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कर लीजिए, प्रोफेशनल डिग्री है, आज नहीं तो कल काम आएगी। लेकिन आप लॉ के फील्ड से रिलेटेड जितने भी जॉब हैं आप उनको ढूंढेंगे, कहीं कोई जॉब मिल जाता है जॉब कर लीजिए। आपकी जब स्टडी चल रही है उस समय आपको कोई जॉब मिलता है तो वो जॉब भी आप तत्काल लपक लीजिए, क्योंकि आप आगे परेशान हो जाएंगे, जिंदगी आपकी बहुत स्ट्रगल में कटने वाली है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके इसी सवाल के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं वकील बन के बहुत सारा पैसा एक साथ कमा लूंगा या मैं डायरेक्ट ऐसा वकील बनूंगा कि जिसने आसमान से तारे तोड़ लिए हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप अगर एक परचूनी की दुकान भी खोलते हैं ना, उसको सेट करने में आपको साल 6 महीने लग जाते हैं, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि साल 6 महीने के बाद आपको आपकी दुकान अच्छा टर्नओवर करेगी। तो ऐसे ही एडवोकेसी है, हर वकील की वकालत नहीं चलती, हर डॉक्टर सफल नहीं होता, हर इंजीनियर सफल नहीं होता। ध्यान रखना ये प्रोफेशनल लाइन है, इसमें आप कितना चलते हैं ये आपकी खुद की मेहनत होती है इसके अंदर, और आपको मिलने वाले वो सुअवसर होते हैं, जो मौका होता है वो आपको मिलना चाहिए। मौका है लेकिन एबिलिटी नहीं है कोई मतलब नहीं है। अगर एबिलिटी अकेली है और मौका नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का संगम चाहिए इसमें। तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखिए, ये इसमें एक किस्मत भी कहीं ना कहीं जोर मारती है, तब आदमी को मौका मिलता है। काबिलियत वो खुद पैदा कर सकता है लेकिन मौका उसको किस्मत से ही मिलता है, तो दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं। इसलिए मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं हूं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, और आप ये ना माने कि मैं कोई भगवान हूं, मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूं, मैंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, सरकारी नौकरी वाले लोग थे मेरे घर में, तो भैया उन्होंने कह दिया था तुझे 2 वक्त की रोटी तो हम खिलाते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज 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 आप इस लाइन से दूर रहें, जॉब कर लें बेहतर होगा।